बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स देखेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स देखे थे। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम जो कि बताता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होगी। क्योंकि प्रोटोकॉल्स कोई सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कहलाती है नेटवर्क स्टैंडर्ड। अब नेटवर्क स्टैंडर्ड को समझने से पहले हमें स्टैंडर्ड्स को समझना होगा कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑनलाइन खरीदो फरोख करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तो बहुत सी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बेच रही होती हैं, लेकिन आप सिर्फ उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जो पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड हो। मीन्स पूरी दुनिया में उस कंपनी से खरीदी जाने वाली प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पायदार हो बल्कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। तो दोस्तों, आपने स्टैंडर्डाइज कंपनी को क्यों चुना? यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि किसी भी चीज के स्टैंडर्ड्स इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि खरीदने वाले को ये कॉन्फिडेंस दिलाया जा सके कि जो भी चीज आप बाय कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना सिर्फ सेफ है बल्कि रिलायबल और बेस्ट क्वालिटी की है। ये साथ साथ स्टैंडर्ड्स अलाउज इंटरऑपरेबिलिटी। मींस स्टैंडर्ड ये भी डिफाइन करते हैं कि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स किस तरीके से साथ काम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अलार्म क्लॉक खरीदते हैं जो कि एक अलग प्रोडक्ट है, फिर उसको चलाने के लिए आप सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड में क्या डिफाइन होगा कि एक अलार्म क्लॉक के साथ किस साइज के सेल यूज होंगे और किस कंपनी के सेल्स आपकी अलार्म क्लॉक के लिए बेस्ट रहेंगे। ये तमाम चीजें डिफाइन होती हैं उन स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड क्या है? एक डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तरीके से नेटवर्क स्टैंडर्ड क्या होता है? नेटवर्क स्टैंडर्ड भी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें किसी भी नेटवर्क को बनाने की तमाम फिजिकल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन आप इस बात से परेशान हो गए होंगे कि ये फिजिकल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो दोस्तों, आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उस नेटवर्क को बनाने को का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मींस वो किस लिए बनाया जाए, उसका मकसद क्या होगा? अगर वो किसी घर के लिए बनाया जा रहा है या फिर किसी ऑफिस के लिए या किसी स्कूल वगैरह के लिए, अगर किसी घर के लिए बनाया जा रहा है तो उसके लिए बेस्ट सूटेड नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी होंगी, उनका ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, क्या क्या उसमें एरर्स आ सकते हैं, तो ये तमाम चीजें डिफाइन होती हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में, जो कि एक गाइडलाइन होती है जो ये बताती है कि एक नेटवर्क किस तरीके से काम करेगा या फिर किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकता है, उसमें क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, उन एरर्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग डिवाइसेस आप उसके साथ यूज करेंगे तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा। यानी किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो उस स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन होती है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि स्टैंडर्ड क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, उसकी जरूरत क्यों पेश आती है। अब ये जानते हैं कि स्टैंडर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया से मिलकर इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं। जब ये बन जाते हैं तो इन्हें टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद ISO यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो इन स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करती है उन्हें दे दिया जाता है, वो इन्हें अप्रूव करती है, फिर ही इन स्टैंडर्ड्स को सारी दुनिया में आम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो एक्सपर्ट्स अलग अलग कंट्रीज में हैं और एक घर के लिए एक लैंड नेटवर्क को बना रहे हैं। इसमें एक्सपर्ट वन ने स्विच की डिवाइस को इस्तेमाल किया जबकि एक्सपर्ट टू ने हब की डिवाइस को। अब क्या होगा, इन दोनों नेटवर्क्स में जो डिवाइस बेस्ट वर्क करेगी उसी डिवाइस को उस होम बेस्ड लैंड नेटवर्क के लिए स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड कोई एक शख्स नहीं बनाता बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर एक प्रोडक्ट को बार बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो सबसे ज्यादा सेफ और एफिशिएंट मेथड होता है उसे स्टैंडर्डाइज करा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्टैंडर्ड्स। अब नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की
दो तरह के होते हैं, डिफैक्टो और डिज्योर। तो दोस्तों सबसे पहले डिफैक्टो की बात करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स बाय ट्रेडिशन यानी रिवायात और फैक्ट्स की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। इनको ना ही टेस्ट किया जाता है और ना ही कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रूव करती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी बिना पर ये आम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन कंपनी है जो कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, कि बहुत से लोग उस कंपनी से खरीदो फरोख करते हैं और उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी है तो उसका इस्तेमाल आम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो कि कहीं से अप्रूव नहीं होते लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए इन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है। के बाद है डिज्योर। दोस्तों ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि बाय लॉ बनाए जाते हैं, मींस इन्हें ऑफिशियली बनाया जाता है, इन्हें गवर्नमेंट बनाती है। ये प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं, डेवलप मतलब ये बनाए जाते हैं और बनाए जाने के बाद इन्हें टेस्ट किया जाता है और अगर टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं, तभी इन्हें अप्रूव किया जाता है। इनकी भी दो टाइप्स हैं। प्रोप्रिएटरी, ये वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन उन्हें यूज कर सकती है और इनके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें यूज नहीं कर सकती। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस कंपनी के लिए ये बनाए जाते हैं, सिर्फ वही इन्हें यूज कर सकती है, इसीलिए इन्हें क्लोज स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। और दूसरी टाइप है नॉन प्रोप्रिएटरी, ये कुछ ग्रुप्स और कमेटीज बनाती हैं जो कि आम पब्लिक के लिए होते हैं, इसीलिए इन्हें ओपन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। यानी ये किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होते बल्कि तमाम पब्लिक के लिए होते हैं, यानी जितने लोग इनको यूज करना चाहते हैं वो तमाम लोग इन स्टैंडर्ड्स को यूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको ओपन स्टैंडर्ड कहा जाता है। आइए अब उन कमिटीज को देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। इनमें सबसे पहले है ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ओपन स्टैंडर्ड्स बनाती है और लोग इनके स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। के बाद है ITU-T, ये स्क्रीन पर ITU-UT लिखा है जबकि यूटी नहीं है बल्कि सिर्फ टी है। तो दोस्तों इसकी ये स्टैंड करती है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन डैश टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने ISDN वगैरह के प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। के बाद है IEEE, जो कि बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इन्होंने LAN के प्रोटोकॉल्स बनाए और उन्हीं के ही स्टैंडर्ड्स बनाए। और इसके बाद है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इन्होंने भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो दोस्तों ये तमाम कमिटीज थी जो कि ये और इनके अलावा भी बहुत सी कमिटीज हैं जो कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि नेटवर्क स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड क्या होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम नेटवर्क मॉडल्स, जिनके अंदर हम क्लाइंट सर्वर और पेयर टू पेयर मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे।